एंड देन टू थाउजेंड सेवेंटीन केम वेन आई डिसाइडेड आई डोंट वॉन्ट टू एक्ट और वहां पर मैं हमारी जमीन थी uh, तो मैंने पिताजी को बोला कि यू नो आई वॉन्ट टू बी अ फार्मर बाई टू थाउजेंड आई थिंक पोस्ट कोरोना तक uh, आते आते मतलब लिटरली बैंक्रप्ट हो चुका था मैं तो बाई द टाइम टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन तक में uh, नीली छत्री वाले एक शो था जो यशपाल शर्मा जी कर रहे थे फिर उन्होंने छोड़ दिया था देन आई गॉट रिप्लेस दैट वेंट ऑन फॉर गुड वन ईयर वन एंड हाफ ईयर एंड देन 2017 केम व्हेन आई डिसाइडेड आई डोंट वांट टू एक्ट नॉट एग्जैक्टली आई एक्ट एक्ट कि मैं नहीं करना चाहता बट तब मैं रैली फॉर रिवर और फार्मिंग इससे बहुत ज़्यादा अचानक से एक शिफ्ट आया मेरे अंदर and I felt that this is the time when I have to do something rather than just doing everything for myself. There has time come when I want to do something for the others. 2017 I decided to go back to my village, you know, from where I started gaya और वहाँ पे मैं हमारी ज़मीन थी, तो मैंने पिताजी को बोला कि, you know, I want to be a farmer. and he said कि ये दो-तीन महीने का भूत चढ़ा है इसको ये ऐसा कुछ होने वाला तो है नहीं तो ठीक है जब उतर जाएगा तब तो बताना लेकिन वो दो तीन महीने का भूत नहीं था दैट वेंट ऑन मतलब आई एक्चुअली गेव कंप्लीटली गेव माई सेल्फ यू नो माई किड सपोर्टेड मी इनफैक्ट माई एल्डर सन आई रिमेंबर बड़ा वाला बेटा उस समय फिफ्थ में था तो उसने मुझे बोला कि पापा आप खेती क्यों कर रहे हो मैंने कहा क्यों कह रहा है किसान तो गरीब होते हैं मैंने कहा तो किसने बोला तुझे कह रहा कि नहीं वो तो हर हिंदी किताब में तो यही लिखी रहती है एक गरीब किसान था एक असहाय किसान था मैंने कहा यार बेटा यही तो धारणा चेंज करनी है यू नो कि हमारे एजुकेशन में ही गलती है कि आपने पहले से ही किसान को गरीब बनाया हुआ कहानी आप गरीब किसान पे ही सुनाते हो सो एनी विच वेज दे हैड अ वेरी मतलब बट दे ऑल सपोर्टेड मी बिग टाइम सो दैट तो वो जब मैं खेती कर रहा था तो आई रिमेंबर मुंबई मिरर से कुणाल कुनाल गुहा जो जर्नलिस्ट है तो ही समा आई मीन कॉल्ड मी अप एंड ही सेड कि कहाँ हो कहाँ यार सारा भाई का तब सेकेंड सीजन भी आया था बट सारा भाई सेकेंड सीजन अगेन डिड नॉट वर्क सी दिस इज वॉट

सो so, तो वो खेती वगैरह करने गया तो वो कुणाल ही कवर्ड द होल स्टोरी एंड ही रोट टाइटल फ्रॉम मैंने ही दिया था उसको मैंने कहा यार ऐसा कुछ टाइटल लिखना फ्रॉम गोरेगा टू तो माई गाँव यू नो समथिंग लाइक दैट सो इट वॉज अ प्रॉपर टू पेज आर्टिकल ही कवर्ड ब्यूटिफुली दैट इज़ ट्राइंग टू मेक स्मार्ट विलेज एंड ही इज़ वर्किंग विद द फार्मर्स एंड ही इज टेकन अ सबैटिकल एंड ही इज़ वर्किंग यू नो सिंस मंथ्स देर सेकेंड सोशल मीडिया दिक डप द स्टोरी एंड द सेट की हीज क्विट एक्टिंग एंड ही इज डूइंग फार्मिंग थर्ड सोशल मीडिया दे के मैं स्टोरी सेक्टर की इतनी बुरी हालत हो गई कि इज डूइंग फार्मिंग सो अब अब परसेप्शन का खेल था कहानियां बहुत चली उस समय कि खेती कर रहा है छोड़ दिया उसने फिल्म इंडस्ट्री ये कर दिया बट वो छोड़ा नहीं था बट वो अपने आप ही ना एक, एक और क्या हो रहा था कि सेम ही टाइप के रोल्स भी मिले इन देंस कि हमारे यहाँ एक इंडस्ट्री में ना बहुत मतलब मैं शर्माता नहीं हूँ इस बात को कहने से एक माध्यम और आप तो बहुत बड़े माध्यम हैं आपके थ्रू तो कहा ही जा सकता है इस बात को हमारे यहाँ ना जब कहानियाँ लिखते हैं लोग तो कैरेक्टर की जब बात करते हैं ना ये टेलीविज़न का बहुत सैड पार्ट है कि जब वो कैरेक्टर की बात तो आप इसके बड़े भाई हैं बड़ा भाई होने का मतलब कैरेक्टर नहीं है वो रिलेशन है वो अपना एक चरित्र होगा अपना एक किरदार होगा लोग राइटर्स डू नॉट वर्क ऑन दोज थिंग कि हाँ नहीं चालीस साल का है ऐसा दिखता है ऐसा दिखता है ऐसा होता है और इस तरह के कपड़े पहनता है और ये करता है बस खत्म तो आप तीसों दिन आप एक ग्राइंड में हैं लेकिन आपको अचानक से लगता है ग्रोथ नहीं है तो फार्मिंग में मुझे लगा कि यार ये तो एक ऐसा एम टी कैनवास है ना जहाँ पे आप एक अच्छे पेंटर बन के उसको पेंट कर सकते हैं एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड आई वर्कड फॉर फाइव ईयर्स रिलेंटलेसली ऑन फार्मिंग बहुत डिबेकल हुए बहुत एक्चुअली बहुत लॉस हुआ इन टर्म्स ऑफ लेस नॉलेज की वजह से बीस एकड़ ज़मीन पे पंद्रह हज़ार पेड़ लगाए थे प्रकृति ने मेरे साथ बहुत कुछ खेला था और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सीखने को मिली द व लॉर्ड ऑफ शिफ्ट विच वॉज हैपनिंग विद इन मी लर्न अ लॉट पंद्रह हज़ार पेड़ उस पूरे एरिया में तीस साल से बाढ़ नहीं आया उसी साल बाढ़ आया जब मैंने पौधा लगाया जब पौधा एक फीट का हुआ था खेत मेरा बह गया मैं वापस बारिश का रुकने का इंतजार किया फिर मैंने पौधा लगाया फिर वो पौधा तीन चार साल तीन चार महीने बढ़ा और उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया तो फिर आप खेत पर नहीं जा सकते थे फिर लॉकडाउन के बाद बारिश आ गई फिर आप वापस पौधा लगाते हैं फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है फिर पानी सूख जाता है फिर आग लग जाती है खेत में तो सब कुछ होता है मेरे साथ और वो सब करते करते तीन चार साल आपके जीवन के जा चुके हैं अब दे वॉज सम सेविंग डेफिनेटली बाई देन बट देन बाई देन आई वॉज लूजिंग ऑन टू लॉर्ड ऑफ स्टफ एंड फिनशियली आई वॉज गेटिंग इन टू अ वेरी इट वॉज अ स्लाइड आई वॉज गोइंग मतलब मैं बहुत बाई टू थाउजेंड आई थिंक पोस्ट कोरोना तक आते आते मतलब लिटरली बैंक हो चुका था मैं कि आई डिड नॉट हैव एनी इन माई पॉकेट एंड कर्ज़ा भी हो गया था लोन का दिमाग पे काफ़ी चल रहा था तो एक फेज आया था वो अभी सो देन बट देन आई यू नो आई आई एक्चुअली फेल्ट वन थिंग इन माई हेड कि द डे यू स्टार्ट यू नो द डे यू स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर सेल्फ इज द डे यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अदर्स

ये yeah, एक्चुअली ऐसा पहलू है लाइफ का कि जिसके बारे में मतलब इट विल बी लाइक अनदर वन आवर ऑफ इंटरव्यू वी कैन डू इट सो आई एम जस्ट कटिंग इट शॉर्ट तो एनी विच वेज तो हमने फिर एक मेरा फैमिली फार्मर करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया मैंने जहाँ पे कि एज़ यू हैव अ फैमिली लॉयर फैमिली डॉक्टर वाई कॉन्ट यू हैव अ फैमिली फार्मर एंड फिर दो किसान से मिला मैं नासिक एरिया में जो बहुत ही जो नेचुरल खेती कर रहे थे जो ऑर्गेनिक से चार स्टेप ऊपर था एंड आई मेट देम देन वी हमने वो दो लोगों से कहानी शुरू की मुंबई में मैंने सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया व्हाट्सएप वगैरह के थ्रू और दो सौ ढाई सौ कंज्यूमर्स बन गए थे जो नेचुरल सब्जी खा रहे थे एंड दे स्टार्टेड फाइंडिंग इट वेरी डिफरेंट टू द दी इज और व्हाट दी केमिकल वेजिटेबल्स आर वो सब हमने पहुँचाना शुरू किया वो सब तो उससे दो से चालीस किसान बने चालीस किसान से लगभग तीन सौ एकड़ जमीन जो है केमिकल फ्री हो गई यू नो सो आप अपना बीस एकड़ का नुकसान करके अब आप इधर सडली आपको लगा कि आप अब आप, आपका टैलेंट क्या है आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हो एज एन एक्टर आप आप में तो नहीं है कि आप कांस्टेंट झुक कर के धान रोप सको या गेहूं लगा सको बिकॉज हमारी बॉडी अब बनी ही नहीं है वैसे इट हैज़ टू बी ट्यून नो ये बचपन से ऐसा चलता है तो हम तो हम क्या कॉन्ट्रीब्यूट बेस्ट क्या कर सकते हैं दैट्स वॉट यू नो आई गेव माई सेल्फ टू एंड दैट्स हाउ दिस मेरा फैमिली फार्मर थिंग हैज़ कम अप फिलहाल वी आर इन द स्टेज ऑफ बिल्डिंग एप एंड देन पोस्ट मानसून वी आर अगेन गोइंग टू रिवाइव द होल थिंग बिकॉज दे आर सो मेनी फार्मर्स हु आर यू नो जहाँ पर हमने इसके थ्रू ये तय कर दिया कि किसानों की इनकम डबल नहीं होती है किसानों की इनकम एक्चुअली चार गुना हुई थी वह फार्मर वॉज़ अर्निंग अराउंड फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ अ एकर एंड ईयर दे स्टार्टेड अर्निंग अराउंड टू एंड हाफ थ्री लैख रुपीज़ यू नो बिकॉज हमने उनके रेट्स फिक्स कर दिए उनको मार्केट के फ्लक्चुएशन से फ्री कर दिया एंड कंज्यूमर के लिए भी रेट फिक्स हो गया कि भाई आज ऐसा नहीं है कि मतलब टमाटर बहुत है तो बीस रुपये हो गया और टमाटर नहीं है तो सौ रुपये हो गया यू you ना know, एक कॉन्स्टेंट रेट जहाँ पर किसान का भी फायदा है और कंज्यूमर का इस तरह का पूरा एक आ, आ, प्रोग्राम बनाया है जिस पे चल रही हैं चीज़ें काफ़ी हो रही हैं तो जी आर जस्ट इन सबैटिकल फॉर अनदर टू थ्री मंथ्स एंड देन विल बी बैक फुल फ्लेजेड